कराची से किसी ने पूछा, मैं माली तौर पर बहुत परेशान हूँ, मेरे दो बच्चे भी हैं, मैंने अपनी बहन को उमरा करवाया था तो मेरी बहन ने ऐसे ही मुरव्वत में कह दिया था कि मैं पैसे दे दूंगी जो भी खर्चा आया है, लेकिन आज इस बात को 6 साल हो गए, क्या मैं अपनी बहन से उमरे के पैसे मांग सकता हूँ, जबकि मेरी उमरे पर बुलाते वक्त पैसे लेने की नीयत नहीं थी, लेकिन अब हालात ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया है, बहन के हालात अब अच्छे हैं, बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दें। देखें, वैसे बहन से बोल दें मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, आप इनको जो मैंने उमरा कराया था काइंडली मुझे पैसे दे दें, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। शरी तौर पर तो अब 6 साल गुजर गए और उस वक्त आपने ज़बान से तो बहन से कोई ऐसा माहदा नहीं किया था ना कि मैं तुम्हारे खर्चे पे उमरा करा रहा हूँ, उस वक्त तो वो यही समझ रही थी कि आप उसको उमरा करवा रहे हैं, तो वो यही समझती रही है। उसने अखलाकी तौर पर बोल दिया था मैं पैसे दे दूँगी, इस तरह से बोल दिया जाता है, लेकिन उस वक्त आप सारा खर्चा कर रहे थे, फिर उसके बाद भी आपने नहीं मांगे, 6 साल का अर्सा गुजर गया, तो जाहिर यही है कि आपने ही अपने खर्चे पे उम्रा कराया है, तो इसलिए यकीन यानी कानूनी तौर पर तो आपको हक नहीं है, लेकिन अखलाकी तौर पर आप बहन से कह सकते हैं कि देखो मेरी तुमने कहा भी था और मेरे हालात ठीक नहीं है, तो बहन को चाहिए कि जब जो है वो उसके हालात अच्छे हैं बहन के और भाई के हालात ख़राब हो गए हैं तो वो तआवुन करे भाई के साथ, ये सिला रहमी है और रिश्तेदारी जोड़ने से अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, तो वैसे बहन को कह दें भाई मेरे हालात ठीक नहीं है, मुझे पैसे चाहिए, अगर आप दे दो बड़ी नवाजिश होगी।